राज्यपाल बंधु वर्मन की ओर से आचार्यों, विचारकों और वैज्ञानिकों का उज्जैनी में स्वागत करती हूँ। यह विजय का महत्व नहीं है, यह कोई नहीं जीतता है, यह कोई नहीं हारता है। यहाँ जीतता ज्ञान है, यहाँ हारता अज्ञान है। मैं इस सत्र के प्रारंभ होने की घोषणा करती हूँ। पहला प्रश्न स्वयं क्षेत्रपाल रखेंगे और इसके बाद संवाद सभी के लिए खुला है। सृष्टि की रचना का कारण क्या है? सृष्टि की रचना का कारण अणु ही हो सकता है, पर अणु काल और आकाश के प्रभाव में रहते हैं, इसलिए सृष्टि की रचना का कारण काल और आकाश ही होना चाहिए। यह ठीक है, अणु काल और आकाश के बिना नहीं रह सकता है। पर यह कैसे हो सकता है? अणु, काल और आकाश, यह सभी तो सृष्टि का हिस्सा है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि संपूर्ण सृष्टि का कारण क्या है? सृष्टि का कारण जो भी हो, पर वह काल और आकाश से सीमित नहीं हो सकता। सृष्टि का कारण अणु नहीं है, आकाश नहीं है। सृष्टि का कारण सत ही हो सकता है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम्। यानी सृष्टि के पहले सत ही था और वह अकेला और अद्वितीय था। उस सत से ही सृष्टि की रचना हुई, यह उपनिषदों की घोषणा है। पर सृष्टि शून्य से क्यों नहीं आ सकती? यह कैसे हो सकता है? क्या हम नहीं देख सकते कि यहाँ जो कुछ है उसका कारण अवश्य है? अभाव से भाव कैसे हो सकता है? शून्य से सृष्टि कैसे हो सकती है? आकाश पुष्प से माला बन सकती है क्या? उपनिषदों के ऋषियों ने असदैव सौम्य इदमग्र आसीत के घोष को अस्वीकार किया है। शून्यवाद में कोई तर्क नहीं है, सृष्टि की रचना किसी अस्तित्व से ही हुई होगी। यह सब तो ठीक है, पर क्या हमने उन प्रश्नों पर विचार किया है जो हमारे सामने हैं? कुछ भारतीय, पारसिक और यूनानी विद्वानों का दृढ़ मत है कि सूर्य धरती की परिक्रमा करता है, पर कुछ विद्वानों का मत है कि धरती सूर्य की परिक्रमा करती है। इस विषय पर मैं सभा का मत जानना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि सभा इस विषय पर एक मत नहीं है। क्या कोई इस विषय पर निर्णायक मत दे सकता है? मामना आर्यभट्ट ने इस पर निर्णय दे दिया है, लघु गुरु की परिक्रमा करता है, न कि गुरु लघु की। आर्यभट्ट का लघु से तात्पर्य कम घनत्व वाले ग्रह से है और गुरु का तात्पर्य अधिक घनत्व वाले ग्रह से। जैसे चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है, ठीक उसी तरह कम घनत्व वाली धरती अधिक घनत्व वाले सूर्य की परिक्रमा करती है। आचार्य, वैसे तो आप शक हैं, पर हमारी तरह सूर्योपासना करते हैं। क्षेत्रपाल, मेरे लिए तो पूरी मनुष्यता के लिए सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि सब समान है। अब आप में और मुझ में क्या अंतर रहा? मेरा जन्म तो इसी मिट्टी में हुआ है। तो क्या वरम हीर शक नाम नहीं हुआ? आर्य, वराह का अर्थ है वरदान और मिहिर का अर्थ है सूर्य। जो सूर्य का वरदान है वो वराह मिहिर है, इसीलिए मेरे पिता आदित्य दास ने मेरा नाम वराह मिहिर रखा। मेरा जन्म यही कपित में हुआ और मैं भारतीय ही हूं। जैसे ज्ञान सीमाएं नहीं देखता, वैसे भारत भी भेद की सीमाएं कहां देखता है? बटुक, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आचार्य, सामने दिखाई दे रहे यंत्र जैसा यंत्र
मैंने उज्जैनी के महाकालेश्वर मंदिर में भी देखा था। क्या ये वही यंत्र है? हाँ, ये वही यंत्र है। पर महाकाल के ज्योतिर्लिंग के ऊपर समय मापक यंत्र का क्या उपयोग है? बटुक, मैंने तो समय मापक यंत्र बनाया था, जो आचार्य मय के सूर्य सिद्धांत के अनुसार बनाए गए काल मापक यंत्र की भांति महाकालेश्वर के उत्तर में रखा गया था। पर लोगों की आस्था ने उसे महाकाल को समर्पित कर उसे उनके ज्योतिर्लिंग के ऊपर लटका दिया, क्योंकि काल मापक यंत्र से निरंतर पानी गिरता रहता है, इसीलिए उसे भी शिव की पूजा में सम्मिलित कर दिया गया। हाँ माँ, तुमने मुझे बुलाया? ये इरावती है, मैंने इसे तेरे लिए चुना है। क्या इसे गणित में रुचि है? तू ही पूछ ले। क्या तुम्हें गणित में रुचि है? क्या तुम्हें रात रात भर ग्रह नक्षत्रों को देखने में रुचि है? क्या तुम्हें वेदांग ज्योतिष में रुचि है? तो फिर तुम्हारी रुचि किसमें है? खाना पकाने में। माँ, ये लड़की मेरे लिए ठीक है। आचार्य वरह मिहिर, मैं वेदांत का दर्शन नहीं बल्कि तर्क द्वारा ये प्रमाण चाहता हूं कि सत्य सृष्टि की रचना का कारण है। तुम्हारा ये वस्त्र किससे बना है? रेशम से। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि रेशम के धागों से ही ये वस्त्र बना है। यानी रेशम ही इस पूरे वस्त्र में व्याप्त है। ये किससे बना है? ये भी रेशम से ही बना है। पर तुम्हारा वस्त्र लाल और मेरा पीला है, और दोनों में रेशम है। अब इन आभूषणों को देखो, ये सारे गहने सोना है, इसलिए सोना गहनों का कारण है। क्या इस रेशम और इन आभूषणों का कोई एक कारण हो सकता है जो दोनों में व्याप्त हो? अणु? हाँ, वह अणु ही हो सकता है। बहुत खूब। अब मेरा प्रश्न है, क्या अणु सर्वव्यापी है? आचार्य, जहां पदार्थ है वहां अणु सर्वव्यापी है, जहां पदार्थ नहीं है वहां अणु नहीं है। अब मेरा प्रश्न है कि क्या कोई अणु से सूक्ष्म वस्तु है जो पदार्थ में हो और पदार्थ के अभाव यानी शून्य में भी हो? अगर हम उस वस्तु को ढूंढ सके तो हम सृष्टि की रचना के कारणों को ढूंढ सकते हैं। आचार्य, अब ढूंढो। मेरे पास उत्तर नहीं है आचार्य। जैसे तुम पदार्थ है ये कह सकते हो, वैसे ही शून्य है ये भी कह सकते हो। वृक्ष है, नदियां हैं, सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, मैं हूं, तुम हो, क्षेत्रपाल है, सब में ये सत या अस्तित्व विद्यमान है। मैं समझ गया आचार्य, ये सत ही संपूर्ण सृष्टि की रचना का कारण है। एक बात पूछूं? क्या? क्या इस सृष्टि का प्रारंभ और अंत है? अच्छा, तो काजल की कोठरी में रहकर तुम्हें भी कालिक लगी गई? ना, खरबूजा खरबूजे को देख रंग पकड़ रहा है। संगत से गुणात है, संगत से गुणजात। प्रारंभ और अंत से तुम्हारा अर्थ क्या है? क्या इसका काल और आकाश में कहीं प्रारंभ है? क्या काल और आकाश में इसका कहीं अंत है? ईरा, ना किसी ने इसका प्रारंभ देखा है और ना ही किसी ने इसका अंत। सृष्टि की रचना क्रमिक होती है, सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि। सृष्टि क्या है, प्रलय क्या है? क्या तुम सचमुच ये जानना चाहती हो? हाँ। तो सुनो, अव्यक्त से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, ये सृष्टि का विकास है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अव्यक्त, यह प्रलय का क्रम है।
मैं समझी नहीं। अच्छा बताओ, हम कैसे जागते हैं? जब हम नींद में होते हैं तो हमारे सारे विचार अव्यक्त अवस्था में होते हैं, जैसे ये मैं हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं माँ हूँ, मेरा ये काम बाकी है, ये काम मैं कल करूँगा, ऐसे सारे विचार अव्यक्त रूप में होते हैं। पर जैसे ही हम जागते हैं सबसे पहले विचार आते हैं, यानी अव्यक्त सूक्ष्म रूप लेते हैं। पर जैसे ही हम वास्तव में जागते हैं हमारे सूक्ष्म विचार कार्य रूप में स्थूल बनते जाते हैं। जैसा हमारे साथ होता है वैसा ही सृष्टि के रचनाकार के साथ भी होता है। अब कल्पना करके देखो, जब ब्रह्मांड अव्यक्त से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ता है तो यह सृष्टि कहलाती है। अब तुम ही बताओ प्रलय क्या है? जैसे जब हम सोते हैं तो हमारे सारे स्थूल कार्यकलाप बंद हो जाते हैं और वे विचारों के स्तर पर सिमट जाते हैं, और कुछ ही देर में विचार भी विलीन होकर अव्यक्त हो जाते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अव्यक्त की ओर बढ़ता है तो केवल सत ही रहता है। और जैसे हम सिर्फ एक ही दिन नहीं सोते, हर दिन सोते हैं और हर दिन जागते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में भी सृष्टि और प्रलय निरंतर चलता रहता है। धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। चल, आज मुझे भी और एक विद्यार्थी मिल गया। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। उस सत से पहले आकाश बना, आकाशात् वायुः, आकाशात् वायुः, आकाश से वायु, वायुर अग्नि, वायुर अग्नि, वायु से अग्नि, अग्नेः आपः, अग्ने आपः, अग्नि से जल, अद्भ्यः पृथ्वी, अद्भ्यः पृथ्वी, जल से पृथ्वी बनी। इन पांचों सूक्ष्म भूतों से मिलकर ही विविधता भरी ये सारी सृष्टि बनी। यही सृष्टि की रचना का क्रम है। और जब भिन्न भिन्न नाम और रूपों से बना ये प्रपंच अपने सूक्ष्म मूल भूतों में परिवर्तित होता है और वे सूक्ष्म मूलभूत सत में विलीन होते हैं, तब प्रलय होता है। अपने समय में वराहमिहिर की कीर्ति एक गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री के रूप में चारों ओर फैल रही थी। उन्होंने प्राचीन ज्योतिष के सिद्धांत ग्रंथों को एकत्र किया और कालांतर में पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना की। पिता आदित्यदास की मृत्यु के पश्चात एक दिन भारत सम्राट बुद्धगुप्त ने एक विशेष प्रयोजन से आचार्य वराहमिहिर को अपने पास बुला भेजा और दोनों की मुलाकात मथुरा में हुई। आपके पिता की मृत्यु का समाचार पाकर मुझे दुख हुआ। मैं स्वयं उज्जैन आना चाहता था,